नमस्कार, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हूँ फ्रेंड्स, वो भी झटपट बनने वाले सूजी के डोसे। और फ्रेंड्स, ये 2 कटोरी के लगभग मैंने सूजी ले रखी है और इसको मैंने छान लिया है कि ताकि इसमें कोई कीड़े मकोड़े ना हो, क्योंकि बरसात का मौसम है। फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़े थोड़े कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे छान लिया है। और सूजी थोड़ा मोटी है इसलिए मैंने इसको पीस लिया है। और देखिए, ये मलाई लगी हुई है बर्तन में, क्योंकि मैंने ये दूध का ही भगोना खाली किया था, तो इसी में मैंने ये सूजी पलट दी है। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सूजी के डोसे, जो कि जल्दी, बहुत जल्दी बनते हैं फ्रेंड्स, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, ये मैंने भगोने में सूजी डाल दी है फ्रेंड्स। और अब इसमें मैं मिलाऊंगी दही। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दही मैंने इसमें डाल दिया है, और करीब ये 1 कटोरी भर की दही था फ्रेंड्स। और इसमें मैं डालूंगी अब 1 कटोरी से ज़्यादा छाछ, क्योंकि मुझे दही थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 कटोरी से ज़्यादा छाछ भी डाल दी है फ्रेंड्स। ये देखिए, क्योंकि ये मुझे झटपट बनाना है, इंस्टेंट सूजी डोसा बनकर तैयार होने वाले हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसमें आज छाछ ली हुई है और थोड़ा सा दही भी लिया हुआ है। और अब इसमें मैं मिक्स करूंगी 1 कटोरी आटा, इसमें 1 कटोरी आटा भी मैंने मिक्स किया हुआ है फ्रेंड्स, और इसे मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अब इसमें मैंने 1 कटोरी आटा भी मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मुझे, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, कोई भी गांठ या गुठली ना रहे, एक जैसा ये बैटर हो जाए मेरा। और इसको मैंने हाथ से ही मिलाना उचित समझा, और देखिए, ये मैंने इसको हाथ से मिला दिया है फ्रेंड्स। और अब ये अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये बैटर बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी थोड़ा सा गाढ़ी है, थिक है, तो इसको मुझे थोड़ा सा पतला करना है, वो बाद में पानी ऐड करूँगी। और अब करते हैं चटनी की तैयारी। इसके लिए मैंने 1 कटोरी के लगभग चना की दाल ले रखी है, और जिसको मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालकर डाल दिया है, ताकि ये जले ना और अच्छे से सिक जाए, अच्छे से भून जाए ये फ्रेंड्स। और ये मैं इसे भूंज रही हूँ, चने की दाल को तवे पर। ये देखिए, ये ड्राई रोस्ट हो रही है। चने की दाल की चटनी, इंस्टेंट चटनी भी बन रही है फ्रेंड्स। जल्दबाजी में आपको कुछ समझ में ना आए, तो ये आधे घंटे में ही ये सारी प्रिपरेशन हो जाती है। ये मैंने दाल भूंज ली थी, और उसके थोड़ी देर बाद इसको मैंने पानी में फुला दिया था, ताकि पीसने में सहूलियत रहे। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। और इसमें अब जाएंगी कुछ चीज़ें, लेकिन उसके पहले ये चटनी की तैयारी। चटनी के लिए लिया है मैंने 1 प्याज, 2 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और हरी मिर्च मैंने इसमें ली है फ्रेंड्स, और थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है। और देखिए, ये मैंने साथ में इसको डाल दिया है पीसने के लिए। और आधी चम्मच के लगभग मैंने इसमें ली है नमक। और ये देखिए, पीसने को तैयार, इसको पीस करके चटनी रेडी।
और तड़के की तैयारी, चटनी के तड़के की तैयारी फ्रेंड्स। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया, एक चम्मच के लगभग, राई, मिर्ची और कड़ी पत्ता, इतना मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। और अब ये तैयार चटनी का तड़का, गैस स्टोव को ऑफ कर दिया है मैंने, और ये चटनी का तड़का तैयार और चटनी भी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। एक ख़ास बात मैं ये बता दूँ कि अगर आप नमक डालकर चटनी पीसते हैं तो इसे आप फ्रिज में रख दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि नहीं तो इससे फर्मेंटेशन बहुत जल्दी होने लगता है। और अब ये तवा मैंने चढ़ा दिया है गैस स्टोव के ऊपर फ्रेंड्स, तवे की करूँगी अब मैं ग्रीसिंग, क्योंकि इसकी ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक प्याज के टुकड़े को मैंने ले लिया है और थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने इसकी ग्रीसिंग कर ली है, क्योंकि जब भी आप तवे पर, लोहे के तवे पर कुछ भी बनाएं तो आप ज़रूर उसकी ग्रीसिंग करें, और उसमें आप प्याज के टुकड़े से ही ग्रीसिंग करें। बहुत ही अच्छे डोसे बनकर तैयार होंगे फ्रेंड्स। और ये हमारा बैटर लगभग रेडी है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है एक चम्मच नमक, आधा चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा और दो चम्मच शक्कर। इसे मैंने दो चम्मच के लगभग शक्कर ऐड की हुई है, और इसकी कंसिस्टेंसी अब देखूंगी कि कैसी है फ्रेंड्स। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। आज मैंने छाछ बनाया था फ्रेंड्स, घी निकाला था तो वही कुछ बर्तन उसके हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं बर्तनों में मैं बना लूं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने आधा ग्लास के करीब पानी और ऐड कर दिया है। और तवा भी गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, तवे में मैंने पानी का छींटा लगा दिया है। पानी के छींटे से क्या है, तवे का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, रनिंग कंसिस्टेंसी है फ्रेंड्स। और ये डोसा मेरा फैलने को तैयार, और ये देखिए बहुत अच्छे डोसे बनकर तैयार होने वाले हैं। झटपट बनाएं सूजी के डोसे। और इसमें मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है थोड़ा सा सांभर का पाउडर, जो कि आपको सांभर का टेस्ट देगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा डोसा बनकर तैयार हो रहा है। बड़ा ही क्रिस्पी है, बड़ा ही अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स सुनहरा सुनहरा डोसा बनकर तैयार है। और ये देखिए इसमें पानी के छींटे मैंने डाल दिए हैं और कपड़े से पोंछ दिया है तवे को। और ये देखिए ये दोबारा से मैं डाल रही हूँ इसमें बैटर को। बहुत ही कम सामान से ये आप डोसे बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी डोसे बनकर तैयार होते हैं। और चने की दाल की चटनी का तो कहना ही क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है।
ये देखिए ये कितने अच्छे से ये निकल रहा है फ्रेंड्स। तवा आपका अच्छा होगा ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से डोसे बनते हैं। और ये लोहे का तवा मैंने लिया हुआ है, लोहे के तवे पे आप बनाएं, बहुत अच्छे डोसे बनेंगे फ्रेंड्स। बढ़िया क्रिस्पी सुनहरे करारे डोसे बनकर तैयार। आप भी आएं डोसे इंजॉय करने के लिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी प्रकार की रहेगी। और इसी प्रकार से सब पर आप सांभर का पाउडर छिड़कते जाएं फ्रेंड्स, इसमें आपको सांभर का टेस्ट भी मिलता है।